वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। सो जी, फिर से मैं आज आप लोगों के साथ एक नई वीडियो, एक नया कंटेंट, एक नई चीज़ लेकर हाजिर हुई हूँ। और आप लोगों के साथ मैं हमेशा न्यू न्यू चीज़ें शेयर करती रहती हूँ, तो मैंने सोचा फिर से एक नई वीडियो, एक नई चीज़ शेयर की जाए। और तो और मुझे लग रहा है कि आप लोगों को मेरी चीज़ें बहुत पसंद आ रही होंगी। आप लोग बहुत लाइक कर रहे हैं, मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर रहे हैं और आगे वीडियो को शेयर भी कर रहे हैं। तो मैंने सोचा जो गर्ल्स, तो गर्ल्स बॉयज़ के लिए भी ऐसी चीज़ें लाई जाएँ कि बॉयज़ भी खुश हों। देखकर गर्ल्स तो खुश हो ही नहीं है कि उनकी पसंद पसंद की चीज़ें मैं डालती जा रही हूँ और वो देखती जा रही हैं और उनको यूज़ करती जा रही हैं, उनसे फ़ायदा उठा रही हैं, उनसे पूछ भी रही हैं कि हम क्या लगाएं, क्या नहीं लगाएं, कौन सा मास्क यूज़ करें, कौन सा शैम्पू यूज़ करें। मेरे पास ये कॉमेंट्स आ रहे हैं, मेरे पास ये मैसेजेस आ रहे हैं, पर्सनली भी आ रहे हैं, तो ये सब कुछ हो रहा है। तो मैंने सोचा कि क्यों ना ऐसी चीज़ भी शेयर की जाए जो बॉयज़ भी कर सकें और गर्ल्स भी कर सकें। सिर्फ ये ना हो कि मैं गर्ल्स के लिए ही करती जाऊँ और बॉयज़ कुछ ना कर सकें। तो आज मैं जो अपना कंटेंट वीडियो का लेके आई हूँ ना, वो कुछ थोड़ा सा मज़ेदार है और फ्रेश भी है। मतलब फ्रेश इस तरीके से कि आप होते हैं बोर, गर्मी में बहुत गर्मी हो जाती है, आप लोगों को लगती है बहुत गर्मी, आप लोग सोचते हैं कि हमें फ्रेशनेस चाहिए। और उस फ्रेशनेस को लाने के लिए आपको कोई स्प्रे चाहिए होता है अच्छा सा, कोई ठंडी चीज़ चाहिए होती है, कोई फ्रेशनेस वाली चीज़ चाहिए होती है जिससे आप फ्रेश फील करें। तो वैसे ये जो चीज़ मैं आपको दिखाने जा रही हूँ ना, कि आप मास्क के अंदर भी यूज़ कर सकते हैं, आप कोई फेशियल कर रहे हो उसके अंदर भी यूज़ कर सकते हैं, आपको गर्मी लग रही हो तब भी आप यूज़ कर सकते हैं, आप हर इन चीज़ों में यूज़ कर सकते हैं। तो मैं वो चीज़ आप लोगों के साथ रिवील करने जा रही हूँ जो आप इन सब चीज़ों में यूज़ कर सकते हैं और आपको कोई परेशानी नहीं होगी। आप ये नहीं कह सकते कि हम तो बस फेस वॉश के लिए यूज़ कर रहे हैं या हम मेकअप रिमूव के लिए यूज़ कर रहे हैं, आप हर चीज़ के लिए उसको यूज़ कर सकते हैं। इतनी मज़े की चीज़ है कि गर्ल्स तो गर्ल्स बॉयज़ भी यूज़ कर सकते हैं। तो मैंने सोचा कि ऐसी चीज़ शेयर की जाए। और वो जो चीज़ है ना, अब मैं सीक्रेट ख़त्म करती हूँ, अब मैं ज़्यादा कन्फ्यूज़ नहीं करती आप लोगों को, और मैं आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ कि मैं क्या लेकर आई हूँ और क्या मुझे आप लोगों को दिखाना है। तो जो दिखाना है ना, वो है रोज़ स्प्रे। जी हाँ, मैं आप लोगों के साथ शेयर करने आई थी रोज़ स्प्रे। गुलाब का पानी, गुलाब का पानी तो पर्सनली गर्ल्स को बहुत अच्छा लगता है। और ये जो गुलाब का पानी है ना, जो रोज़ स्प्रे है ना, ये सईद गनी का है। सईद गनी की प्रोडक्ट्स माशाल्लाह से बहुत अच्छी हैं, बहुत चल रही हैं। तो मैंने पहले इसकी दो क्रीम्स भी बाय की थी, बट अनफॉर्चुनेटली वो फिनिश हो चुकी हैं। तो इसलिए मैंने सोचा कि आप लोगों के साथ, मेरे पास इसका रोज़ स्प्रे था, मैंने कहा ये शेयर करूँ। ये इतना एक्सपेंसिव भी नहीं है और बहुत अच्छा है। इस सेंस में अच्छा है कि आप इसको मास्क अप्लाई करते वक्त भी यूज़ कर सकते हैं, आप इसको सुबह उठ के फेस वॉश करते हैं तब आप यूँ खोल के और यूँ पुशअप करके अपने फेस पे लगाना चाहें तो ऐसे भी लगा सकते हैं। देखें, इसकी पुशअप बॉटल है, तो ये जो रोज़ वाटर है ना, आप आराम से इसको यूँ पुशअप करके यूँ लगा सकते हैं, ऐसे लगा सकते हैं अपने हैंड पे, ऐसे लगा सकते हैं। देखें, ये पुशअप बॉटल है, तो पुशअप बॉटल में आप इसको यूँ पुश कर सकते हैं, यूँ। देखें, ये पुश होता है, तो ये ऐसा स्प्रे है, तो आप इसको पुश करेंगे तो फिर ये आराम से निकल आएगा। आपको हैंड पे लगाना है, आपको फेस पे अप्लाई करना है, आपको कहीं पे भी अप्लाई करना है, तो आप ये रोज़ वाटर तो मास्क बनाने के लिए भी यूज़ किया जाता है, और मास्क बनाने के लिए यूज़ किया जाता है और भी काफ़ी चीज़ों में यूज़ किया जाता है। मेकअप रिमूव करने के लिए भी काफ़ी लोग जब मेकअप रिमूव कर लेते हैं तो अपने फेस पे फेस वाटर अप्लाई कर लेते हैं। फेस वाटर तो रोज़ वाटर तो बहुत अच्छा है फेस के लिए। रोज़ वाटर गर्ल्स और बॉयज़ दोनों के लिए बहुत अच्छा है। दोनों यूज़ करें तो दोनों की स्किन में फ्रेशनेस आ जाती है। गर्मी में आपके पास रोज़ वाटर हो, आप बस यूँ अप्लाई करना चाहते हैं यूँ, तो आप आराम से कर सकते हैं, क्योंकि गर्मी लगती है और गर्मी में हमें ऐसी चीज़ें चाहिए होती हैं कि हम ऐसा रोज़ वाटर यूज़ करें। ज़रूरी नहीं है आप मास्क बनाने के लिए करें, ज़रूरी नहीं है आप मेकअप रिमूव करने के लिए करें, ज़रूरी नहीं है कि आप इसको अपने किसी भी पर्पज़ के लिए यूज़ करें। रोज़ वाटर तो ऐसे भी यूज़ किया जाता है जस्ट फॉर फ्रेशनेस। सो आज मैं आप लोगों के साथ सईद गनी का ये रोज़ वाटर शेयर करने आई थी, जो कि बहुत कमाल का है। इसकी फ्रेग्रेंस भी अच्छी है और ये रियल है, और इनके प्रोडक्ट्स बहुत अच्छी होती हैं। इनके प्रोडक्ट्स की प्राइस भी इतनी महंगी नहीं है, ये आपको 150 या 200 में आराम से मिल जाएगा। सईद गनी की शॉप से वो मॉल्स में होती हैं, आजकल डॉलमेन मॉल में आपको मिल जाएगी सईद गनी की शॉप।
और भी जो मॉल्स हैं क्लिफ्टन के वगैरह, हाइपर वगैरह है, केयरफुल है, उधर भी आपको मिल जाएगी। चेज में भी आपको शायद सईद गनी का ये सब कुछ रोज वाटर मिल जाएगा, किसी मेकअप की शॉप पे भी आपको मिल जाएगा, बट सईद गनी की जो खुद की ब्रांच है ना, वहां से लें तो ज्यादा बेटर है। मैं आपको इसका बैक भी दिखा दूंगी, बैक साइड से इसकी पूरी आपको लोकेशन, बॉटल वगैरह सब कुछ दिखा दूंगी। और ये जो है ना, कितने ml की है, 120 ml की ये बॉटल है, और ये बहुत ही ज़बरदस्त है। इसको आप ज़रूर बाय कीजिएगा और अपने यूज़ में लाइएगा। अपने यूज़ में लाके इसको मुझे बताइएगा कि आपको कैसी लगी मेरी वीडियो, और आपको मेरी वीडियो से कितना फ़ायदा हुआ। आप क्या रोज़ वाटर की तलाश में थे, किसी अच्छे रोज़ वाटर की तलाश में थे? तो जिसकी तलाश में थे वो तलाश आज ख़त्म हुई, और वो ये है। सो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक कीजिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, और अपनी दुआओं में याद रखिएगा। फिर इंशाल्लाह मिलेंगे एक न्यू वीडियो के साथ, एक नए कंटेंट के साथ, जो आपके लिए बहुत यूज़फुल होगा। और मैं कोशिश करती रहूँगी कि आपके लिए यूज़फुल वीडियोज़ लाती रहूँ, ताकि आप उससे फ़ायदा उठाएं, ना कि आपको नुकसान हो। थैंक यू सो मच, अल्लाह हाफिज़।